वेलकम वेलकम वेलकम, ऑनलाइन चैटिंग इस अमेजिंग यूट्यूब वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस जो रिलेटेड हैं ऑनलाइन चैटिंग से। भरोसा रखें, इस वीडियो को देखने के बाद चैटिंग में यूज़ होने वाले जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो आप लोग सीख जाओगे। अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहेगा आपके पास कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर आप अच्छी प्रोनंसिएशंस चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओके। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या चल रहा है, इसकी जो इंग्लिश होगी कॉमन इंग्लिश है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। नेक्स्ट है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आप ये भी कह सकते हो हाउस एवरीथिंग, हाउस एवरीथिंग। अब यहाँ पर जो हाउस है ये हाउ और इज को मिला करके बना है। और ये भी कह सकते हो आप हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, और क्या चल रहा है इस टाइप में, ओके। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, क्या हम पहले मिल चुके हैं, इसकी इंग्लिश होगी हैव वी मेट बिफोर, हैव वी मेट बिफोर। आपको कहना है बातें करते रहो, मुझसे बोलते रहो, इसके लिए आप कह सकते हो जस्ट कीप टॉकिंग, जस्ट कीप टॉकिंग। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, चलो कल मिलते हैं। अक्सर फिजिकल जो मुलाकात होती है हमारी, वहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं कि चलो फिर मिलते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं लेट्स कैच अप टुमारो, लेट्स कैच अप टुमारो, यानी फिर मिलते हैं। आप ऑनलाइन चैट भी कर रहे हो किसी के साथ तो आप ये सेंटेंस कह सकते हो। अगला है अब तुम्हारी कॉल नहीं आती, इसे कह सकते हो यू डोंट कॉल एनी मोर, एनी मोर यानी अब नहीं, इसके बाद नहीं, यू डोंट कॉल एनी मोर। अगले वाला है जैसे कि तुम रोज़ कॉल करते हो, किसी के जवाब में हम लोग कहते हैं कि हाँ हाँ तुम बहुत कॉल करते हो रोज़, उसे कह सकते हैं हम लोग एज इफ़ यू कॉल एवरी डे, एज इफ़ यू कॉल एवरी डे। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हुआ किसी को फ़ोन करके या मैसेज करके। हम लोग स्टार्ट में ये कहते हैं कि भाई कुछ पूछना था, कुछ बताना था, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। इसके लिए हम सब कह सकते हैं हैव आई बॉदर्ड यू, हैव आई बॉदर्ड यू, उसे ये कह देना, उसे बोल देना, उसे बता देना। इसके लिए हम कह सकते हैं कन्वे हर दिस मैसेज। अगर सामने वाली कोई लड़की है तो ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है तो हम कह सकते हैं कन्वे हिम दिस मैसेज। हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, इसके लिए है नो योर लिमिट्स, वाई ओ यू आर होना चाहिए था, नो योर लिमिट्स, ओके। थोड़ी देर में आया, अब यहाँ पर इसके लिए हम कह सकते हैं विल बी राइट बैक, विल बी राइट बैक। और इसके लिए ये भी कह सकते हो आप आई बी राइट बैक, इसको मिला करके कहेंगे आइल, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मैं थोड़ी देर में आया भी चलता है, थोड़ी देर में आया भी चलेगा, ओके। तो आइल बी राइट बैक या विल बी राइट बैक। नेक्स्ट है फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप कह सकते हो व्हाई डोंट यू रिसीव माय कॉल, व्हाई डोंट यू रिसीव माय कॉल। कौन सा मैसेज, तो इसके लिए आप कहोगे विच वन। अब यहाँ पर देखो कौन सा या कौन से वाला, अगर आपको ये कहना है तो इसकी इंग्लिश होती है विच वन। जैसे कि मैंने आपसे पेन मांगा, आपके पास दो पेन्स हैं ब्लू और ब्लैक, तो आप कहोगे कौन से वाला, ब्लू या ब्लैक, विच वन, ब्लू और ब्लैक। इस तरह से मैं थोड़ा बिजी था, इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है आई वॉज़ बिजी, लेकिन उसकी जगह पर आप कह सकते हो वॉज अ लिटिल टाइड अप, वॉज अ लिटिल टाइड अप। इस तरह से आप कह सकते हो कौन मैं, एक क्वेश्चन का टोन है, एक सवालिया अंदाज है, हु मी, ऐसे आप कह सकते हो, मजाक कर रहे हो, है ना। इसकी इंग्लिश होगी यू आर किडिंग आरंट यू, यू आर किडिंग आरंट यू। अगला है पता नहीं क्या कहूँ, Don't know what to say, don't know what to say, इस तरह से। Next है तुम offline थे, क्या कुछ हुआ, कोई बात है, कोई matter है, इसके लिए हम कहेंगे You were offline, is there something, you were offline, is there something। मेरा मन नहीं है, अक्सर बातचीत में हम लोग ये sentence कहते हैं, इसकी English होगी I don't feel like। आगे आप वो चीज़ बता सकते हो, जैसे कि मेरा खाने का मन नहीं है तो आप कह सकते हो आई डोंट फील लाइक ईटिंग, या मेरा बातचीत का मन नहीं है आई डोंट फील लाइक चैटिंग। इस तरह से मैं याद तो हूँ ना, मुझे भूल तो नहीं गए, इसकी इंग्लिश होगी यू रिमेंबर मी राइट, यू रिमेंबर मी राइट। अगले वाला है किससे बातचीत चल रही है,
इसे कहेंगे हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू। अगला है कॉल या टेक्स्ट, कभी भी हम बोलते हैं ना अरे कॉल करो टेक्स्ट करो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे कह सकते हो आप लोग कॉल और टेक्स्ट एनी टाइम, कॉल और टेक्स्ट एनी टाइम। तुम तो हमेशा ही ऑनलाइन हो, इसकी इंग्लिश होगी यू आर ऑनलाइन 24/7। ये वाली जो लाइन है फॉरवर्ड स्लैश, इसे बाई पढ़ना है, यू आर ऑनलाइन 24/7 कि तुम तो हमेशा ही ऑनलाइन हो। अगले वाला है मेरा ये मतलब नहीं था, या तुम्हें गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, तो ये कहने के लिए एक बढ़िया सा सेंटेंस है आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश होगी यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। अब यहाँ पर इसे यू और आर ऐसे नहीं पढ़ना है क्योंकि ये मिला करके लिखा है, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने डीपी क्यों हटा दी, इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू रिमूव योर डीपी, व्हाई डिड यू रिमूव योर डीपी। अगले वाला है तुमने कभी टाइम पर जवाब दिया, एक क्वेश्चन का टोन है कि तुमने कभी टाइम पर जवाब दिया है, इसकी इंग्लिश होगी डिड यू एवर रिप्लाई ऑन टाइम, डिड यू एवर रिप्लाई ऑन टाइम। इसका कोई मतलब ही नहीं था, आप किसी को बता रहे हैं कि ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो पॉइंट इन दैट, देयर वॉज नो पॉइंट इन दैट। अगला है चलो फिर मिलते हैं, जब किसी से हम लोग अलग हो रहे हैं तो उसको कहते हैं चलो फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, मिलते रहना ऐसे कुछ, तो उसकी इंग्लिश होगी ओके सी यू लेटर, या फिर आप कह सकते हो सी यू अगेन, सी यू अगेन। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।